कितने साल के बाद आप लोग की बहाली हो रही है? 11 साल बाद हुआ है। क्या उम्मीद था आप लोग? उम्मीद था कि थोड़ा सा छूट मिलेगा, मतलब ज्यादा समय मिलेगा। जवानी में फॉर्म भरा, बुढ़ापे में दौर हो रहा है, दौर भी ऐसा कि पसीने छूट जाए, बूढ़ा शरीर कितना दौड़ लगाएगा, दौर में छट गए हैं। ये दर्द है बिहार होमगार्ड अभ्यर्थियों की। अभ्यर्थियों ने 2009 और 2011 में फॉर्म भरा, तब वो जवान थे, लेकिन बहाली के लिए सालों इंतजार करना पड़ा। अब जाकर बहाली हो रही है, ऐसे में जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है वो दूसरे पेशे में जुट गए। बहाली की बात सुनी तो फिर से फिजिकल की तैयारी शुरू की, लेकिन बहाली के दौर में छट गए, अब वो सिर्फ अफसोस कर रहे हैं। कटिहार के सुनील कुमार बहाली में छटने से काफ़ी दुखी हैं। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी सर, बहुत देर के बाद ये बहाली हुआ और हम लोग को इतना देर नहीं होना चाहिए, बहुत देर के बाद दौड़ा, स्टेपना खत्म होने के बाद बोला कि बहाली बहाली ले रहा है, इसमें हम लोग की गलती, सरकार की गलती है, और धीरे धीरे स्टेपना खत्म होने के कारण लगातार डायरेक्ट बोला बहाली है, कैसे होगा ये बहाली सर, फिर से होना चाहिए कहना हमारे कहने से। कटिहार के ही रहने वाले पवन कुमार यादव ने कहा कि बहाली में देरी हो रही थी, घर परिवार चलाना था इसलिए दूसरा काम शुरू किया था, अब बहाली हुई इसमें भी वो पास नहीं कर सके, अब फिर से वही काम करेंगे क्योंकि परिवार तो चलाना है ना। कितने साल के बाद बहाली हो रही है? 11 साल के बाद हो रहा। क्या बहाली में भाग लिया? जी। क्या हुआ? हम दौड़ नहीं निकल पाए। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, जो अपना धंधा करते हैं, अपना जो खेती बाड़ी वो सब करेंगे। क्या उम्मीद थी आपको? अरे हम लोग का तो उम्मीद था कि हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन नहीं निकल पाए। आगे क्या बोलूं? कटिहार के ही रहने वाले रविंद्र कुमार यादव कहते हैं कि विभाग को भी पता था कि अभ्यर्थियों की उम्र क्या हो गई है, ऐसे में वो कुछ छूट की भी उम्मीद कर रहे थे। मनिहारी प्रखंड से। कितने साल के बाद आप लोग की बहाली हो रही है? 11 साल बाद हुआ। क्या उम्मीद था आप लोग? उम्मीद था कि थोड़ा सा छूट मिलेगा, मतलब ज्यादा समय मिलेगा, काहे कि इसमें उम्र हो गया है और बहाली जल्दी निकलता है ना सरकारी बहाली, इसलिए थोड़ा सा हम लोग का थोड़ा सा छूट गया। अब क्या करेंगे सरकार से निवेदन है, फिर से बहाली निकाले, फिर से बहाली दे। बता दें कि जिले में 2009 और 2011 में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया शुरू की गई थी, हालांकि बहाली की प्रक्रिया विभिन्न कारणों से टलती रही। इस बीच कई अभ्यर्थियों की दूसरी जगह नौकरी लग गई या कई ने प्रैक्टिस छोड़ दी। हालांकि पिछले कुछ सालों से अभ्यर्थियों ने बहाली प्रक्रिया की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ दिया था, जिसके बाद कुछ महीने पहले दोनों ही सालों की एक साथ बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कई जिलों में बहाली की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वही कई में अभी भी चल रही है। बताया जा रहा है कि सभी जिलों में बहाली की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक साथ ही सभी जिलों में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी, इस दौरान सेना के जवान अपनी निगरानी में जवानों को ट्रेंड करेंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।